महबूबा मुफ्ती की उनको एक बार फिर से नजरबंद कर लिया गया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा के दो परिवारों से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जम्मू में इसी प्रदर्शन के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करने का फैसला लिया गया। महबूबा मुफ्ती का हैदरपुरा के दो परिवारों से मिलने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। सरकार का मकसद है कि किसी को भी कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की इजाज़त न मिले। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा में हुए एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। महबूबा ने अपना आरोप दोहराया कि सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आतंकियों को नहीं निर्दोषों को मारा है। महबूबा मुफ्ती ने कल देर शाम एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, पुलिस ने बेगुनाह नागरिकों के शव सौंपने की बजाय परिजनों को अपनों के शव की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अविश्वसनीय रूप से क्रूर और असंवेदनशील, कम से कम वे इतना तो कर ही सकते हैं कि डेड बॉडी को तुरंत लौटा दें। सीआरपीएफ पहले ही महबूबा मुफ्ती के आरोपों को खारिज कर चुकी है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों का जवाब दिया है। डेवलपमेंट ही हमारा एजेंडा है और उसी पर देश की जनता हमारे साथ है। महबूबा मुफ्ती के सर्टिफिकेट की जरूरत हमें नहीं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस फैसले के बाद से ही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टियां लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।